गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आई एम अजय सिंह आई विल टीच मैथमेटिक्स और जिस तरीके से आप देख रहे हैं स्क्रीन में क्वेश्चन गिवन है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्लास टेन सीबीएसई का इफ द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन ए पी इज गिवेन बाई एस एन इक्वल टू फाइव एन स्क्वायर प्लस थ्री एन देन फाइव इट्स ट्वेंटी फिफ्थ टर्म ओके अब देखिए इसको सॉल्व करने के एक्चुअल में तो तीन तरीके हैं तो एक एक करके हम समझते हैं वो तीनों तरीके क्या हैं हमारे पास और किस तरीके से ये बोर्ड में क्वेश्चन आता है तो हम करते हैं तो सबसे पहले अगर मैं फर्स्ट मेथड की बात करता हूं तो हम यहाँ क्या करेंगे हमें एस एन स्क्वायर प्लस थ्री एन यानी कि एन टर्म्स का सम हमें फाइंड है किसी भी एपी का तो अगर मैं एस वन की बात करता हूँ यानी कि फर्स्ट टर्म का सम आ जाएगा फर्स्ट टर्म यानी कि क्या ए वन होगा भाई यानी कि a वही होगा तो हमने n की जगह पे वन पुट किया तो हमारे पास आ जाएगा फाइव वन स्क्वायर प्लस थ्री टाइम्स वन तो ये आ जाएगा हमारे पास फाइव प्लस थ्री इक्वल एट एस वन ही ए वन होता है यानी कि a होता है यानी कि ए बी का फर्स्ट टर्म हमें मिल चुका है अब बात करें एस टू की तो एस टू क्या होता है एस टू होगा फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म यानी कि हम n की जगह अब यहाँ पे टू सब्सटीट्यूट कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा फाइव टाइम्स टू की पावर टू प्लस थ्री इंटू टू और इसे सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा फाइव ये फोर ट्वेंटी और ट्वेंटी प्लस सिक्स यानी कि यानी ए वन प्लस A2 आ गया हमारे पास, 26. तो यहां से अगर हम देखा जाए तो ए टू कर सकते हैं ए तो टू हो जाएगा हमारे पास ट्वेंटी सिक्स माइनस ए वन तो इस तरीके से हमने देखा तो मिल गया ट्वेंटी सिक्स माइनस एट और ए टू आ गया एटीन ए वन मिल गया ए टू मिल गया तो डी फाइंड हो जाएगा एपी का तो डी हो जाता है ए टू माइनस ए वन और यहां से आ गया एटीन माइनस एट तो फाइनल आंसर आ गया हमारा डी के लिए टेन तो डी मिल गया ए मिल गया और हमसे गया ट्वेंटी फिफ्थ ऑर्म तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है टी एन इक्वल ए प्लस एन माइनस वन इन तो इस तरीके से अगर हम वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो हमारे पास टी ट्वेंटी फाइव हो जाएगा एट प्लस ट्वेंटी फोर इंटू टेन और ये आ जाएगा एट प्लस टू फोर्टी ट्वेल्व टू फोर्टी एट और ये हमारा फाइनल आंसर हो गया यानी कि ये इसका ट्वेंटी फिफ्थ टर्म हो जाएगा इस AP का ठीक है ना एक मेथड ये हो गया अब देखिए सेकंड मेथड क्या है आप इससे बोर्ड में क्वेश्चन सॉल्व कर हैं इस मेथड से इसके बाद एक दूसरा मेथड भी दिया हुआ है हमारे पास आरडी शर्मा में जिससे हम यही क्वेश्चन ही कर सकते हैं तो हमारा सेकेंड मैथड क्या हो जाएगा सेम क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैथड टू वो होता है कि जो टी एन होता है उसको अगर हम चाहें तो ऐसे भी निकाल सकते टीएन इकल टू एस एन माइनस एस एन माइनस वन ये भी आपने सीखा होगा ठीक है ना तो अगर हम यहाँ से देखें एस एन तो ऑलरेडी गिवन है तो अगर मैं एस एन माइनस वन फाइंड कर लूँ तो हम टी एन भी फाइंड कर सकते हैं तो वो कैसे आएगा जहाँ जहाँ एस एन में n है वहाँ पे n माइनस वन सब्टीट्यूट कर देते हैं तो जगह फाइव टाइम्स n माइनस वन का स्क्वायर प्लस थ्री टाइम्स एन माइनस वन कर लेते हैं इसको तो फाइव टाइम्स एन स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एन और प्लस थ्री एन माइनस थ्री तो इस तरीके से आ जाएगा हमारे पास एस एन फाइव एन स्क्वायर प्लस फाइव माइनस टेन एन प्लस थ्री एन माइनस थ्री और इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा फाइव एन स्क्वायर और माइनस टेन एस प्लस थ्री एस माइनस सेवन एन ऑफ़ फाइव माइनस थ्री प्लस टू ये मिल गया मुझे एस एन माइनस वन तो अभी हम देखते हैं टी एन कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे तो टी एन आ जाएगा जब हम ये वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे यहाँ पे तो फाइव एन स्क्वायर प्लस थ्री एन माइनस फाइव एन स्क्वायर माइनस सेवन एन प्लस टू ब्रैकेट ओपन करते हैं तो आता है फाइव एन स्क्वायर प्लस 3n माइनस 5n स्क्वायर प्लस 7n माइनस 2 क्योंकि माइनस अंदर आएगा तो ये पॉजिटिव का नेगेटिव हो गया नेगेटिव का पॉजिटिव और पॉजिटिव का नेगेटिव इससे फायदा क्या हुआ ये आपस में कैंसिल आउट तो इस तरीके से हमारे पास ये आंसर आ जाएगा tn इक्वल 10n माइनस 2 अब tn मिल गया हमसे सा कहा गया ट्वेंटी फिफ्थ तो, तो इस तरीके से हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पे तो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं टी ट्वेंटी तो हम यहाँ पे एन की वैल्यू ट्वेंटी रख देंगे तो हो जाएगा टेन इन टू ट्वेंटी देखा जाए तो, तो यहाँ आंसर क्या जाएगा? तो यह आ जाएगा टू फिफ्टी माइनस टू यानी कि टू फोर्टी एट आप देखा लास्ट मेथड में भी यही आया था फर्स्ट मेथड में भी और सेकेंड

तो देखो थर्ड मेथड पढ़ने से पहले समझने से पहले हम देख लेते हैं वो मेथड आया कैसे ठीक है ना तो मेथड थर्ड की बात करते हैं इसी क्वेश्चन को करने करेंगे तीसरा मेथड तो देखिए अगर हम फॉर्मूला लिखते हैं एस एन का तो क्या होता है हमारे पास एस एन इक्वल होता है एन वाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू क्या हम कर रहे हैं इसमें एन को अंदर मल्टीप्लाइड कर रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा जब अंदर अंदर मल्टीप्लाइड होगा तो ये हो जाएगा ए, 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 ए तो एन टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा प्लस स्क्वायर टू यहाँ पे आके मल्टीप्लाइड होगा और ये अंदर आया तो ये एन स्क्वायर डी वाई टू आ गया वापस से यहाँ मल्टीप्लाइड होगा तो माइनस है, है और डी है तो ये माइनस एन डी वाई टू ठीक है ना इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर d बाई टू प्लस एन कॉमन लिया अंदर बचा a माइनस डी बाई टू तो ये आ गया एस एन इसको जनरल फॉर्म में हम ऐसे भी लिख सकते थे a टाइम्स एन स्क्वायर प्लस बी एन और यहां पे हमारा a और n क्या है वह ए इक्वल हो गया डी वाई टू एंड बी इक्वल हो जाएगा हमारे पास माइनस t वाई टू तो ये हमारा हो गया अगर हमें ये याद है तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है वो कैसे आइए देख लेते हैं अगर इसको हम जो गिवन इक्वेशन है उसे कंपेयर करते हैं तो हमारे पास साफ साफ हमें मिलेगा कि जो एन स्क्वायर का है वो क्या है डीवाई टू इसका मतलब क्या हो जाएगा तो अगर हम इसे कंपेयर करते हैं इस इक्वेशन से फाइव एन स्क्वायर प्लस थ्री एन से तो हमारे पास आ जाएगा डी वाई टू इक्वल क्या फाइव और डी मिल जाएगा हमें कितना टेन ओके okay? तो देखो कितनी आसानी से हमें डिफाइंड हो गया अगर हमें ये फॉर्मूला याद है लॉजिक पता है अब जब ये आ गया बात आती है कॉपीशन की तो यहाँ से देखा जाए तो एनके कॉपिशन कितना हो जाएगा तो हो जाएगा d सॉरी a माइनस डी वाई टू इक्वल हो जाएगा थ्री के और डी वाई टू की वैल्यू ऑलरेडी आप फाइव ले चुके हैं तो इसका मतलब आ जाएगा a माइनस फाइव इक्वल थ्री तो मुझे a मिल जाएगा यहाँ पे कितना एट तो देखा अगर आपको याद है तो ये तो सब बताने के लिए मैंने कहा फाइनली हमें क्या याद रखना है ये वाला फॉर्मूला अगर ये पता है तो आप बड़ी आसानी से ए और डी फाइंड कर सकते हैं और एक बार aod मिल गया तो क्या चाहिए 25 तो तो कितना हो जाएगा 25 यहाँ पे अगर t25 की बात की जाए तो आ जाएगा फिर से 8 प्लस 24 10 और ये सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 248 तो ये हमारा थर्ड मेथड है और यहाँ से एक चीज और पता चलती है कि जब भी ap का कोई एन एस एन गिवेन होगा जनरल फॉर्म में तो वो क्वाड्रेटिक फॉर्म होगा और उसमें कौन कौन सा एन स्क्वायर और एन का टर्म दिखेगा अगर कहीं ऐसे लिखा हुआ है स्क्वायर प्लस तो ये एपी होगा ही नहीं उसमें एन जरूरी है लेकिन हाँ अगर सिर्फ फाइव एन स्क्वायर लिखा है हुआ है तो ये एपी हो सकता है क्यों क्योंकि यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि जो एन का कोफिशिएंट है वो जीरो होगा बट अगर ये सी वाला टर्म आ जाता है क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्मला क्या होता है जनरल फॉर्म होती है ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर ये ही दोनों है बी का टर्म नहीं आ रहा है तो ये ए पी नहीं होगा एपी के लिए ये फॉर्म होना जरूरी है ठीक है ना तो सभी को समझ आ गया होगा कैसे ये क्वेश्चन करना है चलिए फिर ओके बाय